नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज 24 लाइव। मेरा स्वाभिमान संस्था के अध्यक्ष सब भाजपा कार्यकर्ता दिनेश अग्रवाल की बढ़ती लोकप्रियता के कारण अब उन्हें शरारती तत्वों द्वारा मिलने लगी है धमकियां। दिनेश अग्रवाल ने बगहा अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी मीडिया को जानकारी तथा प्रशासन से किया सुरक्षा की मांग। आइए देखते हैं दिनेश अग्रवाल ने क्या कुछ कहा। आज आपने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, क्या मुख्य उद्देश्य है प्रेस वार्ता करने का? देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने अपना कीमती समय दिया। संस्था के माध्यम से जन जन तक संजीवनी कार्ड पहुँचाना इस संस्था का परम उद्देश्य है और यहाँ की जो आबादी है अत्यंत निर्धन और गरीब क्षेत्र से आती है। हमारा प्रयास रहता है कि दवाई और पढ़ाई के माध्यम से यहाँ के लोगों को सशक्त किया जाए, गरीब परिवार को जीने का सहारा प्रदान किया जाए। और जगह जगह सभाएं करता हूँ, अभी कल ठकराहा में प्रोग्राम था, हजारों की भीड़ में लोगों ने इस प्यार और को समझा, इस हमारी योजनाओं को समझा जो यह संस्था लगातार साल भर से प्रयास कर रही है। और हजारों संजीवनी कार्ड को घर घर तक पहुँचाने का काम किया गया और पुनः हजारों लोग के आधार लेकर संजीवनी कार्ड बनाने का संकल्प लिया गया। और मैंने फिर कहा कि पढ़ाई और दवाई, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, कई ऐसे नौजवान हैं जो बहुत टैलेंटेड है, प्रतिभा की कमी नहीं है। वैसे भी चंपारण हमारी प्रतिभाओं से भरा हुआ है, लेकिन आप भी जानते हैं कि जो प्रदेश है जहाँ पे गरीबी है, जहाँ के अधिकतर लोग खेतिहर मजदूर हैं, किसान हैं, अपना मजदूरी करके जीवन व्यतीत करते हैं, ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, किसी के पिता नहीं है, और वो बच्चा बाहर पढ़ना चाहता है, सिविल की तैयारी करना चाहता है, एसपी बनना चाहता है, एसडीएम बनना चाहता है, दिल्ली हो पटना हो, संजीवनी कार्ड बनवा कर उस परिवार को, उस बच्चे को सही जगह पहुँचाना। और जितनी फीस है उस संस्थान की, 75% फीस स्वयं वहन करना, संजीवनी कार्ड के माध्यम से उसको आगे बढ़ाना, ताकि वो बच्चा पढ़ लिख कर अपने पंचायत का, अपने प्रखंड का नाम रोशन करे और आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित हो सके कि आज मैं पढ़ लिया हूँ तो कल वो भी किसी का सहारा बन सके। यही हमारी जो रूपरेखा है, शिक्षा रोजगार, रोजगार भी देने का काम करता हूँ। और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर धमकियाँ मिल रही, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं। लगातार पिछले 2-3 महीनों से वीडियो कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से, जिसका आपको डेटा आपको मैं दिखाया भी था, अभी लगातार इस क्षेत्र में काम करने से रोका जा रहा है। क्या मैं मान के चलूँ कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए कुछ अच्छा करना चाहूँ तो मैं कर नहीं सकता हूँ? क्या मेरी धरती नहीं है? जैसा कल ठकराहा में हमने जनसभा की थी, अचानक एक असामाजिक व्यक्ति आता है और मेरे मंच पर चढ़कर मुझे गालियां देना स्टार्ट कर देता है और हमारी योजनाओं के बारे में बिना जानकारी के अभाव में वह पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश करता है, दिग्भ्रमित करने की कोशिश करता है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने उसकी जान बचाई, और नहीं तो पब्लिक उसको मार देती, क्योंकि हमारा ये कर्तव्य नहीं है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं लगातार, बीच में अभी बलुआ छतरौल गया था तो वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें देखने को मिली थी, लेकिन वहाँ पे इस चीज़ को शांत कर दिया गया। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ असामाजिक तत्व ऐसा कार्य कर रहे हैं, कौन कर रहा है कौन नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन जल्द ही पर्दाफाश होगा। मैं इतना ही कहूँगा, खरोच भी आ गया, प्रशासन से इसके लिए सूचना दी गई जी, प्रशासन को सूचना दी गई है और अभी हम थाने, हमारी टीम गई हुई है और आपको रिसीविंग मिल जाएगी। प्रशासन को बताया जा रहा है कि हमें जहाँ भी जो सभा करनी होती है संजीवनी कार्ड बनाने के लिए, हमें मंजूरी प्रदान की जाए और सुरक्षा हमारी प्रदान की जाए जी। और गुहार लगाता हूँ कि इस तरह के जो लोग हैं उनको आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके जनता के बीच लाया जाए। रेलवे के क्षेत्र में आपने प्रयास किया था, उसमें क्या हो रहा है? देखिए, रेलवे यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है, जो कोरोना काल के बाद से कि जो गाड़ियाँ चलती थी अपने बगहा रेलखंड पर, सिकटा रेलखंड पर, वो एकदम से गायब हो गई हैं। तो
जगह जगह जाता हूँ सभाओं करने के लिए, पता चलता है कि कहीं की कुछ समस्या है, कहीं की कुछ समस्या है। इसी बीच सेक्टर जब गया मैं, तो वहाँ पे जो वहाँ के लोग हैं रेल से इतने आक्रोशित हैं कि रेल नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया, और एक समाजसेवी होने के नाते और भाजपा का छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते उन लोगों को समझाया कि आप धैर्य रखिए, मैं पीएमओ से, रेल मंत्रालय से आपके जो ये जो प्रश्न हैं या आपकी जो तकलीफें हैं दूर करने का प्रयास करूंगा। उन्होंने बताया कि मैं सालों साल से जनप्रतिनिधि यहाँ पे प्रयास करें लेकिन हल नहीं निकल पा रहा। तो मैं सोचा कि मैं भी एक सामाजिक संस्था का सदस्य होने के नाते मैं भी प्रयास करता हूँ। इस बाबत मैं दिल्ली भी गया था, रेल मंत्रालय के चेयरमैन से मिला भी, उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया बहुत जल्दी सिकटा रेलखंड पर, बघा रेलखंड पर, जो पटना से कनेक्टिविटी नहीं है, सिकटा की दिल्ली से कनेक्टिविटी नहीं है, शुरुआत होने वाली है। और माननीय यहाँ के जो माननीय लोकसभा सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, जो भी प्रतिनिधि हैं, चाहे जिस पार्टी के भी हो, उनसे गुहार लगाऊंगा कि सदन में जाके जनता के इस आक्रोश को उठाया जाए, ताकि आने वाले समय में जो एक गरीब क्षेत्र है उसको एक बल मिले, मार्केट में रौनक आए।